अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम एक्चुअली नर्स्ड इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो जो नर्स्ड इक्वेशन है वो हमने पढ़ी कि नर्स्ड इक्वेशन क्या है। अब नर्स्ड इक्वेशन को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नर्स्ड इक्वेशन की जो यूटिलाइजेशन है कि नर्स्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कैसे सेल्फ पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल जो हैं। एक न्यूमेरिकल काफ़ी है एक एक एग्ज़ाम्पल के लिए। तो ये मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, इसको दो तरह से किया जा सकता है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखें ज़रा, न्यूमेरिकल जो हमारे पास है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल है आपके सामने, फाइंड द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी आर। ये एक हमारे पास हाफ सेल है, उस हाफ सेल का उसने कंसंट्रेशन भी दी हुई है। जो सोल्यूशन फॉर्म में क्रोमियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन ये है, और ये सॉलिड फॉर्म में है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसने मैं ये कंडीशन दे दी कि आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करें। किसका? यानी कि हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है ये वाली चीज़। सही हो गया? अब हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। इस हाफ सेल की कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन भी दे दी गई है, टेम्परेचर भी प्रोवाइडेड है, और उसने हमें एक और स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया। अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है या रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। अब देखिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 है, बाद में 0 हो गई। जिसकी नॉर्मल स्टेट में जो सॉलिड होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, तो ऑक्सीजन स्टेट में कमी आई, तो कमी आई तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है और हमें वो पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करना है। स्टैंडर्ड उसने दिया हुआ है, सिंपल हमने फाइंड करना है। स्टैंडर्ड नॉट ऊपर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, सिंपल हमने फाइंड करना है। अब चलिए देखते हैं, नर्स्ड इक्वेशन हमारे पास है, ये हमारे पास आ गई नर्स्ड इक्वेशन। अब नर्स्ड इक्वेशन को ज़रा फोकस करिए, इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है, एन हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि एन मैंने बताया था ये हमें नहीं पता चल सकता, और ये प्रोडक्ट का भी नहीं पता, रिएक्टेंट का भी नहीं पता, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास है नहीं। तो अब इसको भाई क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ हमने जो करनी है, हमने इसको देख कर हमने एक इक्वेशन जनरेट करनी है। हमें उसने कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? हमें उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमने रिडक्शन वाली इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन इधर से इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने रिडक्शन वाली लिखनी है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव था, तो इसने क्रोमियम सॉलिड में कैसे शिफ्ट होना है? तभी शिफ्ट होना है अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये हमने इक्वेशन जनरेट कर ली यहाँ से। जब हमने इक्वेशन जनरेट की तो हमने देखा सबसे पहली चीज़ कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमने एन की वैल्यू पुट करनी है, तो एन हमें यहाँ इक्वेशन से मिलेगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है? ये रिएक्टेंट कौन सा है? ये। तो हमने प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड मेटल है, तो हमने क्या किया, उसकी 1 ही पुट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किसी भी सॉलिड की जो अगर हमारे पास ना मौजूद हो कंसंट्रेशन, तो हम 1 ही पुट करते हैं। और क्रोमियम की उसने पहले हमें दी हुई है, ये देखें, आयन की 0.1 मोलर। 0.1 मोलर इक्वल होता है 10^-1 मोलर के। अब हमारे पास कंसंट्रेशन भी आ गई, इसकी इसकी भी आ गई, एन भी मालूम हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला है, ये इक्वेशन ली, इसकी वैल्यू कहाँ पे उसने दी हुई है, रिएक्शन उसने जो सवाल पूछा उसके अंदर इसने इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखें इसकी जगह पे ये देखें कर दी 0.75 -0.059 इक्वेशन के अंदर मौजूद था। एन की जगह पे मैंने 3 पुट किया, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। सो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन वही है। क्रोमियम की कंसंट्रेशन 1 पुट कर दी, ये देखें, और क्रोमियम जो कि आयन की जो उसने कंसंट्रेशन पहले में दी हुई थी 0.1, यानी कि 10^-1। तो ये मेरे पास ये वाला स्टेप आ गया। अब ये जो है माइनस में है पावर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगी। तो log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको मैं इस पर डिवाइड किया, 0.0197 आ गया, ये वैल्यू वैसे ही थी। अब ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी, जब यही आएगी तो इसको इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, जब इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा -0.77 वोल्ट। तो मतलब मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड कर दी है इस हाफ रिएक्शन के लिए। अब इस हाफ रिएक्शन का जो EMF आया वो कितना आया, -0.77 वोल्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, वो भी सेम वैसे ही है, वही उसने पूछा फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। लेकिन अब हमारे पास जो हाफ सेल है वो ओर है, हमारे पास जो हाफ सेल है वो आयरन का है, आयरन की, आयन की उसने कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी हुई है, टेम्परेचर भी उसने प्रोवाइड किया हुआ है,
और उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी हमें कैसे पता कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है उसने या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है? तो फिर वही वाला सीन हमने देखना है, आयरन की टू पॉजिटिव थी, यहाँ पे जीरो है, तो ऑक्सीजन स्टेट कम हुई है तो मतलब रिडक्शन हुई है, तो ये उसने रिडक्शन पोटेंशियल हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया हुआ है SRP। अब हम क्या करेंगे, फिर वही मसला आ गया हमारे पास, ना तो हमारे पास एन है और ना ही हमारे पास हमें पता प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है। तो फिर वही आपने काम करना है इसको देखते हुए, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आपने रिडक्शन इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। तो हमने रिडक्शन इक्वेशन जनरेट कर ली। अब रिडक्शन इक्वेशन क्या है, Fe2 पॉजिटिव प्लस, मैं ये एरो इस साइड को भी डाल सकता था, ये बात याद रखनी है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की इक्वेशन बन जाती है। तो उसने हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन जनरेट करनी है, हमने रिडक्शन बनानी है, रिडक्शन वाली इक्वेशन बनानी है। तो रिडक्शन वाली इक्वेशन में देखिए, आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसको तो तभी वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। इक्वेशन जनरेट हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इक्वेशन में, 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए थे, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, एन हमें पता चल गया 2 है। अब ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है ज़ाहर है, एरो साइड पे है, तो ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन उसने पहले ही दी हुई थी, तो 0.01 मोलर या 10^-2 मोलर, और इसके हमने 1 ही पुट करनी है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल की नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, 1 मोलर ही लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन। अब वही वाली इक्वेशन इसको देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये हमने फाइंड करना है, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल दिया क्या हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया हुआ है। एन की वैल्यू मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं थी, इक्वेशन लिखी ये वैल्यूज आ गई, एन की जगह पे 2 पुट कर दिया, इसकी जगह पे जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है हमने वो पुट कर दी, 0.-0.45 लॉग 1 किसका है, प्रोडक्ट क्या है उसका 1 मोलर है, तो नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसने हमें दी हुई है, हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये जब 10^-2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, और हमें पता है जब प्लस में जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 लॉग 10, अब लॉग 10 1 के इक्वल होता है तो 1 2 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा इस हाफ सेल के लिए, हमारे पास वो कितना आया -0.509 वोल्ट्स। अभी हमारे पास एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, सही हो गया। अब हमने हाफ हाफ सेल जो थे उनका हमने क्या किया, उनका हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लिए। अब ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड है सॉरी, अब दूसरे हमारे पास ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं तो हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्या फाइंड कर लिया है, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया तो उस बंदे ने हमें ये कहा EMF ऑफ सेल फाइंड करें, वही सेल है, देखें हाफ सेल ये था हाफ सेल ये था, दो हाफ सेल थे तो दो हाफ सेल से एक कंप्लीट सेल बनता है। अब वो उसने सेल की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कर दी है, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है, तो जैसा कि आपको पता है ये उसने सेल दे दिया, अब ये सेल दे दिया, अब राइट साइड पे जो होता है हमें पता है वो कैथोड होता है और लेफ्ट साइड पे जो होता है वो हमें पता है एनोड होता है। अब हमारे पास कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ये हमने निकाला, अभी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है हमने ये निकाला अभी, तो भाई हमने अब क्या फाइंड करना है, पूरे सेल का EMF। हमने एक इलेक्ट्रोड का EMF फाइंड किया, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड किया, अब हमने पूरे सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है। अब उसने हमें क्या किया हुआ है, उसने हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं, तो भाई इन कंडीशंस का हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, हमने अलग अलग देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकाला था, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड निकाला था, तो हम क्या करेंगे, ये सेल जो सेल पोटेंशियल की इक्वेशन है उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सेल पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी, ये हमने निकाला हुआ है पहले ही, ये निकाला हुआ, एनोड क्या था, एनोड ये वाला सेल था, तो एनोड सेल का भी हमने पोटेंशियल निकाला हुआ है, तो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल निकल आएगा, ये निकल आया। अब ये मेथड देखना ज़रा लंबा है, मिसाल के तौर पर कैसे, क्वेश्चन आपके पास वो डायरेक्टली ऐसे ही दे देता है, क्वेश्चन क्या देता है, ये क्वेश्चन है, अब ये उसने नहीं दिया, इसको ज़रा स्किप कर दें, माइंड से निकाल दें, पेपर आपने जब खोला तो पेपर के सामने जो क्वेश्चन था वो ये लिखा हुआ था, फाइंड द EMF ऑफ द सेल। अब सेल जो है उसने उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की है, नीचे उसने दो चीज़ें दी हुई हैं एट 25 डिग्री से, यहाँ तक क्वेश्चन उसने दिया है। अब जब यहाँ तक उसने क्वेश्चन दिया है तो आप ये चीज़ें क्यों निकालेंगे, ना तो आपसे निकलेंगी ये चीज़ें, तब ही निकलेंगी जब आप इनका अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, अब इसने ये चीज़ें तो दी नहीं है तो मसला आ गया। तो हमें सारा एक हाल तो ये है, ये मैं चीज़ अलग लूँ, ये चीज़ अलग लूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने इस हाफ सेल को अलग बना लिया, ये सारा प्रोसेस करूँ यहाँ तक,
इस हाफ सेल को अलग बना के ये वाला प्रोसेस करूँ, फिर निकालूँ, फिर ये वाला सीन करूँ, तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब इस काम से बचने के लिए हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला काम अब छोड़ दें, इसको स्किप कर दें, ये वाला जो उसने प्रोसेस बताया है ये हमारे लिए बहुत लंबा है। पहले ये निकालेंगे एक हाफ सेल का, फिर दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको एक इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर जाके हमारे पास सेल का पोटेंशियल आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, देखें कितनी कैलकुलेशन। अब दूसरा मेथड क्या है, अब इन सब को भूल जाएं, ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका एक तरीका मैंने पहले बताया कि ये सारा तरीका करने का, एक हाफ सेल का अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर दें, एक हाफ सेल का अलग फाइंड कर दें, उसके बाद सेल पोटेंशियल की वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन बहुत लंबा मेथड है। अब हमने इस सारे प्रोसेस को स्किप कर दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने करना है सिर्फ फीलिंग को इसको ही देख कर, बाकी ये भी चीज़ स्किप कर दें, ये भी कर दें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल, ये उसने सेल की रिप्रेजेंटेशन की हुई है, नीचे उसने ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक टेम्परेचर और दूसरा उसने एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरे हाफ सेल का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। सही हो गया। तो भाई सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है जो हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है वो बहुत ईजी है। हमने देखें ज़रा, हमने जो फाइंड करना है, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड करना, हमने स्टैंडर्ड EMF नहीं फाइंड करना, हमने क्या फाइंड करना है, हमने EMF ऑफ द सेल फाइंड करना है। ये चीज़ फाइंड नहीं करनी। सही हो गया। हमने स्टैंडर्ड नहीं फाइंड करना, देखो उसने कहा EMF ऑफ द सेल, हमने स्टैंडर्ड फाइंड नहीं करना, लेकिन वैल्यूज़ उसने स्टैंडर्ड की दी हुई हैं, तो मसला आ गया। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने, एक तो ट्रिक ये है कि आप जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड कर लें, हमें चाहिए नहीं है सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, पहले बता रहा हूँ, हमें उसने सेल का सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं फाइंड करना। लेकिन अब उसने स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, इधर आ जाएं ज़रा, ये वाला हम सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड, वही इक्वेशन है, यही सेम इक्वेशन है, बस स्टैंडर्ड लगा दिए। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड की यहाँ पे वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं, तो ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड है ये पुट करें या स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनोड में ये पुट करें। तो भाई बहुत सिंपल है, आपको उसने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, मैंने पहले बताया राइट साइड पे जो होता है ये राइट साइड है, राइट साइड पे जो होता है उसको हम हमेशा कैथोड कहते हैं और लेफ्ट साइड पे जो होता है उसको हमेशा एनोड कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास उसने दिया हुआ ये आपने यहाँ पे कैथोड की जगह पे पुट करना है, और जो क्रोमियम का दिया हुआ उसने वो आपने पुट करना है यहाँ पे एनोड की जगह पे। तो दोनों को प्लस माइनस करना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं था लेकिन हमने फाइंड किया, क्यों, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस करना, पहला स्टेप हमारा ये है। अब दूसरा क्या है, आप इसको गौर से देखें और इस इक्वेशन को एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना लें। कैसे, अब आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन देखनी है, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ये क्रोमियम था सॉलिड और ये शिफ्ट हो गया आयन्स में, एक इक्वेशन आपने लिख दी क्रोमियम, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बन गया। अब दूसरी इक्वेशन आप ये वाली लिखें, आयरन 2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Fe बन गया। सही है। अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको दोनों को सम करना है, लेकिन सम करने के लिए हमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जो 2 था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लीकेशन करके 2 3 6, 3 2 6, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब 6 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बच जाएगी। अब 2 जो है पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्रोमियम, अब नीचे 3 Fe के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 Fe 2 पॉजिटिव, अब इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे 2 क्रोमियम 2 3 पॉजिटिव, और ये जो 3 था ये Fe के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। अब जनरल इक्वेशन जब आ गई, अब इस जनरल इक्वेशन में हम एक चीज़ देखें, हमारे पास n नहीं है, हमने नर्स्ट इक्वेशन ये वाली, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। नर्स्ट इक्वेशन से ही सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं फाइंड करना, सिंपल सेल पोटेंशियल फाइंड करना। सही है। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेपरेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा सेल बता दे तो तब कैसे कर सकते हैं, तब ये ट्रिक है पूरे सेल का फाइंड करने का। पूरे सेल के अंदर उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से दिए निकाल लिए, स्टैंडर्ड ही हमने निकाल लिया, लेकिन हमने कौन सा फाइंड करना था, स्टैंडर्ड नहीं फाइंड करना, हमने सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने दोनों जो हाफ सेल थे उनकी इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन हमारे सामने ये आ गई, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई। गौर से देखें, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 3 6, तो n की वैल्यू जो है वो हमने 6 लिख ली है। ये जो n नेक्स्ट इक्वेशन में n आता है,
उस एन की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर ली है इक्वेशन से। अब नर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है, इसलिए उसको हमने पहले ही निकाल लिया था। ये देखें, हमने पहले ही निकाल लिया था, सही हो गया। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में आपने क्या करना है, वो वैल्यू जो अभी हमने यहाँ से निकाली है, इन दोनों को सम करके जो हमने निकाली है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 आ गई है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो एक आई है वो क्या है, अब यहाँ पे फोकस करना ज़रा। दूसरी चीज़ हमारे पास सिंपली यहाँ पे आ गई 0.059 और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा था, रिएक्टेंट कौन सा था। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, आपने हमेशा आयंस लेने हैं, यहाँ पे आपने आयंस लेने हैं। जब दो आयंस का मतबादला हो तो आपने आयंस लेने हैं, सॉलिड नहीं लेना हमने, सही है। क्योंकि कंसंट्रेशन आयन की चेंज हो रही है तो बाकी दोनों की कंसंट्रेशन जो है उसको हमें नहीं पता। कंसंट्रेशन की दोनों की 1:1 है, क्रोमियम की 1 है, आयरन की भी 1 है, लेकिन इन आयंस की डिफरेंट है 0.1 0.01। तो इसलिए हमने इनको ही रिएक्टेंट और इनको ही प्रोडक्ट लेना है। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वाली साइड पे है, एक आयन ये है, एक आयन ये है। तो जो आयन एरो की दूसरी साइड पे है, राइट साइड पे है, वो हमारे पास प्रोडक्ट है, और जो आयन पहले है वो हमारे पास रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट पे मैंने क्रोमियम लिख दिया, 2 पावर इसलिए ली क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर में चली जाती है कंसंट्रेशन में। आयरन का क्या था, 3, तो इसको आयरन आयन लिखा, ऊपर 3 की पावर लिख दी मैंने। अब ये मेरे पास जो है नर्स्ट इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के लिए बन गई है। अब इधर से इधर आएँ कैसे किया, देखें ज़रा, वही वाली इक्वेशन, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हमने अभी निकाला था, सही है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हमने अभी निकाला था 0.05 नर्स्ट इक्वेशन वाला, एन की जगह पे 6 पुट किया क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, लॉग क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन, क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, इसने दी हुई है 0.1 किसके इक्वल होता है 10^-1, देखें पुट कर दिया क्रोमियम की जगह पर। आयरन की जगह पे आयरन की कंसंट्रेशन 0.01 थी जो कि इक्वल होती है 10^-2, तो उसकी जगह पे भी हमने ये पुट कर दिया, सही हो गया। अब इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लॉग 10^4 आता है, तो 4 जो है वो लॉग से पहले चला जाएगा, लॉग 10 इक्वल होता है 1 के, तो 4 1s are 4 ही आएगा। अब बाकी हमारे पास इसको इस पर डिवाइड किया 0.0098 आया, 0.3 पहले ही है। अब 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर इसमें से माइनस कर दें। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 0.0392। अब ये वैल्यू हमारे पास दोनों है, इनको माइनस कर दें, जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल आ जाएगा जो कि है 0.26। पहले मेथड से भी देखें 0.26 आया, दूसरे मेथड से भी क्या आया 0.26 आया। ये मेथड ज़्यादा इजी है, दूसरे वाला लेंथी हो जाता है, सही है ना। दोबारा इसको मैं एक बार बता दूं कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ये है, फाइंड द ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल उसने दिया हुआ है, ये उसने सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, साथ उसने टेम्परेचर बता दिया और साथ उसने हमें ये बता दिया कि इनके अंदर जो क्रोमियम है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये है और जो आयरन है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये है। एक ट्रिक तो भाई हमारे पास ये है जो मैंने बताया, हम दोनों सेल आधे आधे लें, ये हाफ सेल ले लें, ये हाफ सेल ले लें। क्रोमियम का जो हाफ सेल है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, हमने क्रोमियम का ये वाला मेथड लगा दिया, नर्स्ट इक्वेशन क्रोमियम के लिए लगाई, क्रोमियम की सिंपल इक्वेशन बनाई और हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। स्टैंडर्ड उसने दिया हुआ था क्रोमियम का, हमने सिंपल वाला फाइंड कर लिया। इसी तरह फिर हम आयरन की तरफ आए, हमने आयरन की भी इक्वेशन बनाई, आयरन की इक्वेशन पर नर्स्ट इक्वेशन लगाई, जैसे मैंने सारा पीछे लेक्चर सुन ले दोबारा, जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई, मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी और मैंने इसका आयरन का भी जो हाफ सेल है उसका भी मैंने फाइंड कर लिया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए हैं, जब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए तो मेरे पास सेल, जब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, एक कैथोड हो और एक एनोड हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रो सेल जो पोटेंशियल निकालने के लिए एक मेथड है ये वाला। तो मैंने ये वाली इक्वेशन रखी, दोनों के जो सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे वो मैंने यहाँ पे पुट किए, मेरे पास सेल पोटेंशियल आ गया, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें ऐसे सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे मेथड में क्या करें, आप ये वाला मेथड यूज़ करें, आप इक्वेशंस को ड्रा करें, एक इक्वेशन ये बनाएं, एक इक्वेशन ये बनाएं, दोनों की एक इक्वेशन, उनको सम अप करके सिंगल इक्वेशन बनाएं, सिंगल इक्वेशन में आप नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, कैसे पता चलेगा भाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 3s are 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, बाकी आपने आयंस की कंसंट्रेशन ले लेनी है, आयंस की जगह पुट कर देनी है, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास देखें सेल पोटेंशियल आएगा। तो ये सेल पोटेंशियल वही है जो हमने उस मेथड से निकाला, दोनों मेथड से जो सेल पोटेंशियल निकलता सेम है। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको एक बार देख लें और इस तरह हम इसके बारे में कोई भी न्यूमेरिकल आए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे सेल का भी वो पूछ सकता है, तो जैसे भी क्वेश्चन आए आप फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।